Assalamualaikum, मैं जुलेखा अरफा जुलेखा किचन से। तो आज हम बनाते हैं सिजलिंग गोला कबाब, या आप इसे सिजलर बोल सकते हैं, गोला कबाब सिजलर बोल सकते हैं, या फिर अगर आप इसे प्लेट में सर्व करेंगे तो आपकी मटन गोला कबाब हो जाएगी। तो चलिए बनाते हैं आज की रेसिपी, सिजलिंग मटन गोला कबाब सिजलर की प्लेट के ऊपर, मस्त से बढ़िया से विदाउट टाइम वेस्ट किए, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिश। चलिए आज की बनाते हैं। एक चॉपर के अंदर सबसे पहले मैं हरी मिर्चियाँ डाल रही हूँ, मैं दो डाल रही हूँ, आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं। धोई हुई नितारी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया है वो भी डाल दीजिए। मैंने थोड़े से 5-6 कली लहसुन की ली है, बड़ी पीसेस हो तो आप दो ही डालिएगा। अच्छा, ये है मटन, 250 ग्राम मटन है, बोनलेस है, इसकी मैंने चना बूटी की है और आप देख सकते हैं हल्का हल्का इसके ऊपर चर्बी लगी हुई है। आप चाहें तो कीमा भी ले सकते हैं, बट मैं हमेशा यहाँ पर ये बोनलेस ही लेती हूँ। इनमें मसाले डाल देते हैं, आधा छोटे का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा छोटे का चम्मच भुना और दरदरा पीसा हुआ धनिया, साबुत धनिया, आप चाहे तो धनिया पाउडर भी डाल सकते हैं, आधा छोटे का चम्मच जीरा पाउडर, आधा छोटे का चम्मच गरम मसाला पाउडर, आधा छोटे का चम्मच नमक डाल दीजिए, अपने स्वाद अनुसार डाल दीजिएगा, आधा छोटे का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1/4 छोटे का चम्मच हल्दी पाउडर, आधा छोटे चाय का चम्मच चाट मसाला, आप चाहें तो कम भी डाल सकते हैं। एक ब्रेड को मैं इस तरीके से पीसेस करके डाल रही हूँ, आप चाहें तो एक ब्रेड को पानी में थोड़ा सा डिप कर लीजिए, अच्छा निचोड़कर फिर डालिएगा, मैं नॉर्मली ही डाली हूँ। ये 2 टेबलस्पून बिरिस्ता है, प्याज का बिरिस्ता, थोड़ा सा फैट था तो मैंने यहाँ 1 टेबलस्पून घी डाला है, असली घी, आप तेल भी डाल सकते हैं या मक्खन भी डाल सकते हैं। ये 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट है, अब इसे ढक कर बहुत ही अच्छा इसे पीस लीजिए। अच्छा, पीसना ऐसा है ना कि जैसे हम सीख कबाब के लिए कैसे करते हैं, एकदम टेक्सचर आपको लगता है कि घुल चुका है और एक दूसरे में एम्बाइब हो चुका है, वैसा पीसना है हमें। अच्छा, मैं यहाँ खोलकर देख रही हूँ ना तो थोड़ा सा मुझे मॉइस्चर लग रहा है, तब मैं यहाँ एक ब्रेड फिर से पीसेस करके डाल रही हूँ। अगर आपका ये समय एकदम घुल चुका है तो आप 2 ब्रेड मत डालिएगा, 1 ही डालिएगा, बट मुझे यहाँ 2 ब्रेड लगे। चलिए, इसे बहुत अच्छा मैंने पीस लिया है, ये आप देख सकते हैं इसका टेक्सचर, और अब इसे एक बड़े से बर्तन में निकाल लीजिए, बीच में इसके स्पेस कर दीजिए, एक स्टील की वाटी रख दीजिए या फॉइल पेपर की वाटी बना के रख दीजिए, उसमें गर्मा गर्म कोयले को रख दीजिए, तेल डाल दीजिए क्विकली या घी या मक्खन डालकर इसे क्विकली ढक कर इसके ऊपर कुछ वजन रख दीजिए और 2-5 मिनट ऐसे ही रहने दीजिए, आप चाहे तो ज़्यादा देर के लिए भी रख सकते हैं। चलिए, 3-4 मिनट हो चुके हैं, यहाँ पर खोल लीजिए और ये कोयला फेंक दीजिए, वाटी हटाकर सबसे पहले तो मैं एक बार मिक्स कर लेती हूँ ये कीमे को, साइड पर यहाँ पर तेल है, हल्का सा तेल का हाथ लगा रही हूँ और इससे मैं ना 8 से 9 पोर्शंस कर रही हूँ, इक्वली डिवाइड कर लीजिए कीमे को। अब आप चाहें तो पेंसिल ले लीजिए या फिर आप सीख भी ले सकते हैं, यहाँ पर मैंने है ना स्ट्रॉ लिया है, वो पेपर की स्ट्रॉ है, आप प्लास्टिक वाली भी ले सकते हैं। सबसे पहले इस तरीके से एक पोर्शन को ये कीजिए, बॉल बनाइए, फिर फ्लैट कीजिए और इसके अंदर ये डाल दीजिए हमारी स्ट्रॉ और इस तरीके से शेप देते जाइए और ये बन गई हमारी कबाब। तो इसे गोले कबाब को ये देखिए मैं दोनों ओर से इसे थोड़ा सा शेप दे रही हूँ बराबर से और इसे अब निकाल कर साइड पर रख दीजिए। तो ये बन गई हमारी गोला कबाब, अब इसी तरीके से आप सारी गोला कबाब बना लीजिए। मैंने इसमें हरी मिर्चियाँ ज़्यादा नहीं डाली हैं, आप अपने हिसाब से ज़्यादा डाल सकते हैं, जी हाँ। अच्छा, मैं आपको इसका कीमा बता देती हूँ कि उसका टेक्सचर कैसा है, ये देखिए कीमे का जो टेक्सचर है आप देख सकते हैं, क्लोजली मैं आपको दिखा रही हूँ, एकदम घुल चुका है एक दूसरे के अंदर, भुरभुरा टाइप नहीं होना चाहिए, नहीं तो फूट जाएंगे। हाँ, तो चलिए ये सारे बन चुके हैं गोला कबाब, अब हम इन्हें बढ़िया से फ्राई करते हैं। तो फ्राइंग के लिए एक तवा ले लीजिए, फास्ट आंच पर चूल्हा चालू कर दीजिए, थोड़ा सा तेल डालकर चारों ओर फैला दीजिए, जब अच्छा गर्म हो जाए तेल, चूल्हा मीडियम कर 3-4 एट ए टाइम डालिए, आप चाहे तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, मैं 4 डाल रही हूँ, और इसे सबसे पहले तो मीडियम आँच पर 2-3 मिनट तक पीछे की साइड पकने दीजिए, जब हल्का उसको कलर चेंज हो तो उसे उलट पलट करते हुए हल्के हाथ से इसे फ्राई कर लीजिए, चारों ओर से डार्क स्पॉट्स आ जाएंगे, बहुत ज़्यादा जलाना नहीं है, स्पॉट्स लाना है, गोल्डन स्पॉट्स लाना है। तो तकरीबन समझिए ना 6 से 7 मिनट तक आप पकाएंगे ना तो आपकी ये जो गोला कबाब है वो भी पक जाएगी और चारों ओर से अच्छा डार्क स्पॉट्स भी कलर्स भी आ जाएंगे।
चलिए 6-7 मिनट हो चुके हैं और चारों ओर से आप देख सकते हैं स्पॉट्स आ चुके हैं, जैसे थोड़े डार्क चाहिए थे मुझे गोल्डन ब्राउन, तो इसे निकाल कर साइड पर रख देती हूँ। इसी तरीके से सारे बाकी के फ्राई कर लीजिए। अच्छा, गोला कबाब बांधने के टाइम पे स्ट्रॉ से अगर आपसे बराबर से स्लाइड होके हाथ से बाहर ना निकले तो आप पहले स्ट्रॉ के ऊपर थोड़ा तेल लगा लीजिएगा तो बहुत आराम से स्लाइड हो जाएंगे। चलिए तकरीबन 6-7 मिनट हो चुकी है, इनफैक्ट 7-8 मिनट हो चुकी है मीडियम आंच पर और चारों ओर से लाइट गोल्डन स्पॉट्स आ चुके हैं, तो मैं इन्हें साइड पर रख देती हूँ। और साइड पर है ना, मैंने जब ये वाले डाले थे ना, ये वाला बैच, तो मैंने गरम पर उसे रख दिया था, सिजलिंग प्लेट, सिजलर की प्लेट को, तो अब मैं उसे यहाँ ले लेती हूँ और ये वाले को वहाँ रख देती हूँ और चूल्हे को मैं स्लो कर देती हूँ। अच्छी गर्म हो गई है सिजलर की प्लेट, तो यहाँ पर मैं उसके ऊपर थोड़ा तेल डाल देती हूँ। अच्छा, फैला दीजिए इसे और इसके ऊपर 2 मीडियम साइज की प्याज को मोटा मोटा काट कर डाल दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर थोड़ा संभालिएगा। हाँ, और मैं थोड़ा सा है ना, मुझे इसे कैरमलाइज करना है, मैं हल्का, मुझे तेल लगा कम तो मैंने वो भी डाला है और मैं थोड़ा स्लो पर रखी हूँ। और यहाँ पर 1 टेबल स्पून मक्खन डाल दीजिए, बटर, 3-4 हरी मिर्चियाँ डाल दीजिए। और मैंने ना यहाँ 1 मिनट तक ये जो प्याज है ना उसे थोड़ा सा कैरमलाइज होने दिया, मुझे बड़ी मज़ा आती है, एकदम कच्ची कच्ची प्याज नहीं चाहिए, थोड़ी सी कैरमलाइज हो ना तो मज़ा आए। तो जब ये 1 मिनट हो गया, मैंने चूल्हा फिर से मीडियम आँच कर दिया और ये जो हमारी गोला कबाब जो साइड पर स्लो आँच पर रखी हुई है वो सारी डाल दीजिए तेल के साथ, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर। और खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए, यानी कि हरा धनिया इसके ऊपर। और बस इसके बाद ये जो गर्मा गर्म डिश को आप बहुत ही संभाल से, एहतियाती से, चमटे या किसी की मदद से हमारी जो वुडन प्लेट है सिजलर की उसके ऊपर डाल दीजिए। तो ये आप देख सकते हैं कितनी बढ़िया से हमारे रेडी हो चुके हैं मटन गोला कबाब, सिजलिंग मटन गोला कबाब सिजलर्स के अंदर। अच्छा, आपको सिजलर प्लेट के अंदर सर्व नहीं करना, आप नॉर्मल प्लेट के अंदर सर्व कर सकते हैं। आप चाहें तो ये प्याज और हरी मिर्चियाँ स्किप करके डायरेक्टली प्लेट के ऊपर गोला कबाब डाल दें और थोड़ी सी कोथमीर छिड़क दें, तो ये बन गई हमारी ईद स्पेशल। ज़रूर बनाइएगा ईद के टाइम पर, बहुत ही मज़ेदार और मस्त बनी है। तो है ना मजेदार रेसिपी, अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगे और अगर आप बनाए तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर आप ये वाली रेसिपी आपको अच्छी लगी हो तो जल्दी जल्दी लाइक कीजिए ये वाली वीडियो को, और उससे ज्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसके लिए फॉरवर्ड कीजिएगा। तो फिर से हाजिर होंगे एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज, बाय बाय। अस्सलाम वालेकुम। तो चलिए अब हम बनाते हैं दूसरी रेसिपी जिसका नाम है मटन सिजलर्स। आप इसे मटन नवाबी बोटी भी कह सकते हैं या फिर मलाई मटन सिजलर्स भी कह सकते हैं। बहुत ही बढ़िया, झटपट, घर पर आसानी से बनती है। तो चलिए शुरू करते हैं, साधारण यानी ऑर्डिनरी इंग्रेडिएंट्स से एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिश बनाते हैं आज की। चलिए, ये है 1/2 किलो गोश्त, चर्बी निकाली हुई है, धोया हुआ है और मैंने थोड़े बड़े पीसेस रखे, आप चाहें तो मीडियम पीसेस भी रख सकते हैं। यहाँ पर मैंने डाल दिया 3/4 कप पानी, 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट और थोड़ा सा नमक। अब इसे मिक्स कर लीजिए, कुकर का ढक्कन लगाकर 1-2 सीटी फास्ट आंच पर लगा लीजिए। जब 1-2 सीटी फास्ट आंच पर हो जाए तो स्लो आंच करके 15 मिनट ऐसे ही रहने दीजिए। जब 15 मिनट हो जाए तो चूल्हे को कर दीजिए बंद। चलिए, जब अच्छा कम्प्लीटली ठंडा हो जाए तो खोलकर चेक कर लीजिए। ये देखिए, मटन मैंने चेक कर लिया, परफेक्टली गल चुका है। हमें 95% से 98% तक मटन गलाना है, वो हो चुका है। और आप देख सकते हैं मेरे यहाँ तो पानी सूख चुका है। अगर आपका पानी इसके अंदर हो इस समय तो आप इसे फास्ट टच करके सुखा लीजिए और कम्प्लीटली ठंडा हो जाने दीजिए। जब रूम टेम्परेचर पर आ जाए तो इसे एक प्याले में डाल दीजिए, 1/2 छोटे चम्मच सिरका डाल दीजिए, चुटकी भर नमक डाल दीजिए और 4 टेबलस्पून भरकर कॉर्नफ्लावर यानी कि कॉर्नस्टार्च डाल दीजिए। 3 हरी मिर्चियों को मैंने कूट कर रखा था, ये भी मैं डाल देती हूँ सारों को। आप चाहें तो पीस कर भी डाल सकते हैं बिना पानी के। और थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर यानी कि हरा धनिया डाली और इसे अच्छे से मिक्स कर लीजिए। अब यहाँ ये है कि आपको लगेगा कि ये थोड़ा ड्राई ड्राई लग रहा है, कोई बात नहीं, आगे मैं इसका आपको स्टेप बताती हूँ। अभी फिलहाल ये डालकर मैरिनेट होने रहने दीजिए। अब एक कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा तेल डाल दीजिए और मैं थोड़ा मक्खन भी डाल देती हूँ 1 टेबलस्पून जितना। और यहाँ पर मैं एक जो शिमला मिर्च है इसे मोटा मोटा काटी हूँ और इसे डालकर फास्ट आंच पर, समझिए ना, 10-20 सेकेंड इसे बार बार चलाते हुए फ्राई कर दीजिए। तब 10-20 सेकेंड हो जाए तो इन्हें नितार कर निकाल लीजिए एक प्लेट में और साइड पर रख दीजिए। यह हम इसके लिए कर रहे हैं क्योंकि थोड़ी सी कलर भी इसका रिटेन रहेगा और थोड़ी सी फ्राई होगी तो मज़ा आएगा, हल्का कच्चे पक्की भी रहेगी तो मज़ा आएगा खाने के अंदर, क्रिस्पी क्रिस्पी लगेगी तो, और कलर मेंटेन रहेगा। चलिए अब हम आगे का प्रोसीजर करते हैं।
वही कढ़ाई के अंदर थोड़ा सा और चाहे तो तेल डाल दीजिए, चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए। अच्छा गर्म हो जाए तो यहाँ पर 2 छोटी चाय के चम्मच बारीक कटा हुआ लहसुन डाल सकते हैं या फिर बारीक कूटा हुआ लहसुन डाल सकते हैं। मैं यहाँ बारीक कूटा हुआ लहसुन डाल रही हूँ और इसे बार बार चलाते हुए मीडियम आँच पर आधे 1 मिनट तक फ्राई कीजिए। मेरी पतीली है ना बहुत जल्दी नीचे चिटक जाती है, लग जाती है चीज़ें, तो मैंने स्लो रखा है क्योंकि बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। चलिए आधा 1 मिनट हो चुका है तो अब यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 3/4 कप मलाई। नॉर्मल जो बाजार की मिलती है ना मलाई, मैं वही इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आप घर की मलाई ले रहे हो तो उसे पहले तो मिक्सर जार के अंदर डालकर पहले फेंट लीजिएगा अच्छे से, बिना दूध डाले, और फिर लीजिएगा। चलिए 3/4 कप सारी मलाई मैंने डाल दी, इसे एक बार चला लीजिए और इसमें डाल दीजिए नमक, चुटकी भर ही डालिएगा, ज़्यादा अभी फिलहाल मत डालिएगा, एंड में एडजस्ट करेंगे। और 3/4 छोटे चाय का चम्मच मैं डाल रही हूँ काली मिर्चों का पाउडर, आप चाहे तो आधा छोटा चाय का चम्मच भी डाल सकते हैं काली मिर्चों का पाउडर। हाँ, इसे मिक्स कर लीजिए, चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए। जब अच्छा मिक्स हो जाए तो यहाँ पर मैं डाल रही हूँ 7 टेबल स्पून भर कर मायोनीज, वो डाल दीजिए और मीडियम आँच पर उसे भी चलाते हुए मिक्स करें। अच्छे से मिक्स करना है, कोई गुठलियाँ ना रहे और अच्छे से मेल्ट हो जाए वो। बस जब अच्छे से वो मेल्ट हो जाए तो यहाँ पर मैं डाल देती हूँ 1/2 कप पानी और इसे मीडियम आंच पर उबाल आ जाने दीजिए। अच्छा उबाल आ जाए, आधे 1 मिनट में तो अच्छा उबाल आ जाएगा। जब अच्छा उबाल आ जाए तो इसके अंदर डाल दीजिए 1/4 कप ग्रेटेड चीज, आप चाहें तो चीज ज्यादा भी डाल सकते हैं, मैं 1/4 डाल रही हूँ। इसे कंटिन्यूस मिक्स करते हुए पका लीजिए, तब तक पकाएं जब तक चीज मेल्ट नहीं हो जाती। जब अच्छी चीज मेल्ट हो जाए चूल्हा कर दीजिए स्लो आंच और 2-3 मिनट इसे स्लो आंच पर थोड़ा सा खोलने दीजिए। थोड़ा सा इसमें उबाल आएगा, आप देखेंगे इसमें थोड़ा सा हल्का हल्का उबाल आएगा और अच्छा खासा उबाल आएगा। 2-3 मिनट में जब इसका उबाल आ जाए तो इसको चूल्हे को कर दीजिए बंद और इसे मैं अभी साइड पर रख देती हूँ। अब पहले हम जो मटन है उसके पीसेस को फ्राई कर लेते हैं। तो एक कढ़ाई के अंदर तेल डाल दीजिए। अब जो हमने मटन को मिक्सचर को मैरिनेट करके रखा था, अब यहाँ पर ये है कि आपको पानी डालने की जरूरत ना लगे तो बिल्कुल भी मत डालिएगा। मैं क्यों डाल रही हूँ पता है, क्योंकि मैंने अगले दिन इसे बॉईल किया था और फ्रिज में रहने दिया था, तो इसका जो मॉइस्चर है वो सारा उड़ गया है। अगर आप उसी दिन बॉईल कर रहे हैं और उसी दिन के अंदर आप बना रहे हैं तो इसमें आपके जो मटन पीसेज है इसमें थोड़ा बहुत लगा हुआ रहेगा पानी, और अदरक लहसुन का पेस्ट जो हमने डाला हुआ है तो उस हिसाब से ये जो आप जब कॉर्नफ्लावर डालते हो तो अच्छा मिक्स हो जाएगा, तो तब आपको पानी डालने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर फर्ज करो लगे तो मेरी तरह 1 या 2 टेबलस्पून डालकर ऐसा कीजिए कि बस चिटक जाए, बस उसके ऊपर, अब हमारे पीसेस के ऊपर एकदम पानी टाइप ना हो, ठीक है। ये देख सकते हैं आप कितनी थिक थिक बैटर टाइप लग रहा है ना। चलिए अच्छा गरम हो गया तेल, तो मैंने चूल्हा मीडियम आंच कर लिया और ये एक एक करके बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोल के मैं पीसेस डाल रही हूँ। फ्यू एट ए टाइम डालिए, उलट पलट करते हुए हल्के से, समझिए ना, मीडियम आंच पर 3-4 मिनट तक पकने दीजिए। जो जो 5% जो हमने छोड़ा है ये इस समय पक जाएगा और ज़्यादा इसमें कोई कलर नहीं आएगा, इसमें हल्का वाइटिश कलर ही आएगा। सो बस 4-5 मिनट हो जाए तो उलट पलट करते हुए इन्हें निकाल लीजिए, छान कर साइड पर रख दीजिए, छन्नी के ऊपर, टिश्यू पेपर के ऊपर मत डालिएगा नहीं तो सॉफ्ट हो जाएंगे। इसी तरीके से आगे के भी बैचेस के अंदर सारे फ्राई कर लीजिए। कॉर्नफ्लावर के बाद हम पानी लेटर इसके लिए डाल रहे हैं कि पहले आप देख लीजिए मैरिनेट करके रख के कि पानी अगर छूट रहा है उसमें तो उसी में ही बाद में कॉर्नफ्लावर मिक्स हो जाता है। लेकिन अगर नहीं हो रहा है बस ऑन दैट नोट आपने 2 टेबलस्पून जितना ही पानी डालना और अच्छे से मिक्स कर लीजिए। चलिए ये देखिए हमारी ग्रेवी बन चुकी है। 2-4 मिनट पहले मैंने सिजलर की प्लेट को गर्म पर रख दिया था फास्ट आंच पर और ये हमारे पकौड़े क्रिस्पी वाले। अब यहाँ पर फिर से मैं ये जो ग्रेवी की पतीली है इसे फास्ट आंच पर मैंने चालू किया, ये हमारे पकोड़े हैं साइड पर रखे हुए हैं, और इसे मीडियम आंच करके इसे उबाल आ जाने दीजिए। जब अच्छा उबाल आ जाता है, एकदम अच्छा उबाल आ जाता है, अच्छा गर्म हो जाता है, तो ये जो हमारे पकोड़े हैं ये सारे डाल दीजिए बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर। ये जो हमने शिमला मिर्च फ्राई करके रखी थी वो डाल दीजिए। इसे चूल्हा मीडियम रखिए और इसे 1-2 मिनट टॉस होने दीजिए। उसी के दरमियान मैं यहाँ पर ना 1 टेबलस्पून मक्खन भी डाल देती हूँ और उसके साथ जब 1-2 मिनट हो जाए तो इसको हटाकर यहाँ पर सिजलर की प्लेट रख देती हूँ क्योंकि मैं उसमें सर्व करने वाली हूँ। लेकिन आप अगर उसमें सर्व नहीं कर रहे हैं तो इसी समय आप प्याले में निकाल लीजिए या कोई सर्विंग डिश में निकाल लीजिए। यहाँ पर मैंने गर्मा गर्म वाली सिजलिंग प्लेट फिर से यहाँ चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दिया है। थोड़ा सा तेल डालकर इसे चारों ओर फैला दीजिए और आप चाहे तो बारीक कटी हुई
कैबेज डाल दीजिए, नीचे काट कर डालें, साबुत एक अक्खी अक्खी साबुत डालें, या फिर मेरी तरह पीसेस करके डालें मोटे मोटे, जैसे आपकी मर्जी। मैं यहाँ थोड़ा सा मक्खन भी डाली हूँ आपने देखा, और थोड़ा सा यहाँ चूल्हा मीडियम आंच किया है, और थोड़ा सा वो जो तेल जिसमें मैंने फ्राई किया था ना वो भी डाले जा रही हूँ, और थोड़ा मक्खन भी डाल रही हूँ। और जब आधा मिनट हो जाता है और मैं सारा तेल डाल दी हूँ थोड़ा बहुत, तो अब यहाँ पर डाल देती हूँ मैं जो नवाबी बोटी मटन की बना के रखी है, बढ़िया सी मज़ेदार सी मलाई नवाबी बोटी कहिए या मलाई मटन कहिए सिजलर, इसकी बोटियाँ मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ सारा ग्रेवी के साथ। और बस इसके ऊपर थोड़ी सी मैंने प्रेजेंटेशन के लिए ना साइड पर रख दी थी हाँ शिमला मिर्च, वो इसके ऊपर डालती जा रही हूँ मैं। आप चाहें तो चम्मच से डालें, मैं तो हाथ से डाल रही हूँ। और आप थोड़ी सी खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दें इसके ऊपर, तो ये देख सकते हैं आप कितना मज़ेदार और बढ़िया सा और डिलिशियस बना है हमारा मटन नवाबी बोटी सिजलर, मज़ेदार है। आप एंड में है ना थोड़ा सा मक्खन डाल दीजिएगा चारों ओर, ये देखिए क्या मज़ेदार बना है। आप सिजलिंग प्लेट के ऊपर डालिए, आप चाहें तो इसके ऊपर थोड़ी सी खुरची हुई चीज़ डालें और सर्व कीजिए गर्मा गर्म। इस रेसिपी में हरी मिर्च और काली मिर्च का इस्तेमाल अपने स्वाद अनुसार कीजिएगा। अच्छा, मैंने पहले ग्रेवी बनाई और फिर फ्राई किया मटन के पीसेस को, आप चाहें तो पहले फ्राई कर ले मटन के पीसेस को फिर ग्रेवी बना के हाथों हाथ मटन के पीसेस उसमें डाल दीजिएगा और फिर चूल्हा बंद कीजिएगा। तो चलिए, बन चुकी है हमारी बढ़िया सी मज़ेदार, बहुत ही डिलिशियस है ये रेसिपी मलाई मटन सिजलर्स, या नवाबी बोटी सिजलर्स भी कह सकते हैं आप इसे। तो है ना मज़ेदार रेसिपी आज की, मज़ा आया ना देख के, मुझे खाके भी बड़ा मज़ा आया। आप भी बनाओगे तो बहुत ही मज़ेदार बनेगी, ज़रूर बनाइएगा। और अगर आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, मुझे आपके कमेंट्स पढ़ने बहुत अच्छे लगते हैं। और अगर ये वाली रेसिपी अच्छी लगी हो तो जल्दी जल्दी लाइक कर दीजिए ये वाली वीडियो को, और उससे ज़्यादा अच्छी लगी हो तो अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इस वाली वीडियो के लिंक ज़रूर फॉरवर्ड कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार मज़ेदार रेसिपी के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।